सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ऐसी तबीयत बिगड़ी जिससे फिर वो उभर नहीं पाए और 4 मार्च 1193 को उनकी वफात हो गई। उनकी वफात के समय उनके पास 1 सोने का सिक्का और 40 चांदी के सिक्के के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन दौलत अपनी सल्तनत में रहने वाली गरीब रियाया को दे दी थी। उन्होंने जनाजे की रस्म की अदायगी तक के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। उन्हें सीरिया के शहर दमिश्क में उमैद मस्जिद के बाहर बगीचे में बने एक मकबरे में दफनाया गया था। असल में ये मकबरा एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसमें एक स्कूल और मदरसा अल अजीजिया भी शामिल था, जिसमें से कुछ संतभो और एक अंदरूनी मेहराब को छोड़कर बहुत कम बाकी बचा है। 7 सदियों के बाद जर्मनी के शहंशाह विलहेम ने मकबरे के लिए एक नया संगमरमर का ताबूत दान किया था। हालांकि असली ताबूत को तब्दील नहीं किया गया था। इसके बजाय मकबरा जो जायरीन के लिए खुला है उसमें अब 2 कब्रें हैं। संगमरमर एक किनारे पर रखा गया है और असल लकड़ी वाला है जो सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र को कवर करता है।